गुड मॉर्निंग सर। व्हाट इज दिस? दिस इज बर्फ। बर्फ? वंडरफुल वंडरफुल। यह बर्फ है, आइस है। और आप लोगों को यह पता है कि जब दो पदार्थों में टेम्परेचर का अंतर होता है, मान लिया जाए किसी में टेम्परेचर का क्वांटिटी अधिक है और किसी में कम है, तो सबको पता है कि टेम्परेचर के फ्लोडिटी का, टेम्परेचर के कंडक्शन का रूट किधर होता है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बर्फ कंडक्ट करता है, चलता है, बहता है। तब तक बहता है जब तक कि चारों तरफ का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। जैसे दो गड्ढा में पानी है, एक में कम है, एक में अधिक है। अगर बीच में काट दिया जाए तो अधिक गड्ढे से पानी कम गड्ढे में तब तक गिरेगा जब तक कि दोनों के पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाए। अगर दोनों में बराबर क्वांटिटी है पानी का तो पानी किधरों नहीं बहेगा। तो आप देखिए, जैसे ये आपका आइस है और इस आइस का टेम्परेचर मान लिया जाए 0 डिग्री, अभी कमरे के ताप पर पिघलना या शुरू कर रहा है, तो और हमारे जो क्लाइमेट, हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग्स क्लाइमेट्स हैं, इसके टेम्परेचर पता है आपको बहुत गर्मी महसूस हो रहा है। अभी शरीर का टेम्परेचर हम लोग का नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, तो अभी 37 से एबव होगा। तो ये टेम्परेचर जो, ये जो आइस देख रहे हैं, तो इविपरेशन इज अ काउज ऑफ द कूलिंग। ये इविपरेशन जो होता है, यह ठंडा देने का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है इविपरेशन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, हाथ पर हम दे दीजिए, बर्फ एक लो, ये तुम भी भाई एक बर्फ लो, ये बर्फ लो, ये तुम भी एक बर्फ लो। अच्छा ये बताओ, ये बर्फ कैसा फीलिंग हो रहा है? ठंडा बर्फ हो रहा है, ठंडा बर्फ हो रहा है। तुमको कैसा फीलिंग हो रहा है भाई? देखते हैं, तुम तो बेचैन हो गई बर्फ से। ऐसे लगता है कि अब यहाँ से मतलब कि तुम्हारी अंतिम अंतिम दौड़ में है तुम्हारी शारीरिक स्थिति। ये तुमको बर्फ कैसा लग रहा है भाई? ठंडा लग रहा है। तो भाई ठंडा क्यों लग रहा है? तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर 37 नियर अबाउट है, ये बर्फ का 0 डिग्री है। तो बर्फ क्या करता है, तुम्हारे शरीर में शरीर से बर्फ में टेम्परेचर का कंडक्ट होता है। यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। दूसरा कारण यह क्या है, यह बर्फ अपने टेम्परेचर को बराबर करने के लिए, तुम्हारे शरीर से ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है। दी आइस टू मेल्ट ऑब्जर्व द हीट फ्रॉम योर बॉडी। ये बर्फ क्या करता है, पिघलने के लिए ऊष्मा तुम्हारे शरीर से लेना शुरू करता है, जिसके कारण हमको फीलिंग महसूस होता है। अगर बर्फ को यहाँ पर रख दिया जाए तो बर्फ पिघलने के लिए चारों तरफ से ऊष्मा को ऑब्जर्व करेगा, जिसके कारण कुछ देर के लिए यह ठंडा फीलिंग हम लोगों को महसूस होगा। आपने देखा होगा शाम के समय में हम लोग दरवाजे पर पानी छिड़क देते हैं, पानी इविपरेट होने के लिए आसपास के क्लाइमेट से टेम्परेचर लेता है, जिसके कारण कुछ देर के लिए वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, कूलिंग हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या समझा, आप फिर देखिए, ये बर्फ रखिए, आपको बर्फ कैसा फीलिंग हुआ? ठंडा। बर्फ ठंडा होने का क्या, बर्फ ठंडा तो नहीं है, आपका टेम्परेचर से ऊष्मा का जो हरासमेंट होता है तो आप कह रहे हैं कि ठंडा लग रहा है। आपके शरीर से टेम्परेचर का हरासमेंट हो रहा है तो आप कहते हैं कि बर्फ ठंडा है। आपके शरीर से टेम्परेचर का हरासमेंट हो रहा है तो आपने कहते हैं कि बर्फ ठंडा है। अगर हाथ पर अगर गर्म स्पेयर मेटल का हाथ पर गर्म स्पेयर तीनों पर रख दिया जाए तब कैसा महसूस होगा? गर्म। क्यों महसूस होगा भाई? कि स्पेयर का टेम्परेचर आपके शरीर से अधिक है, तो ऊष्मा का कंडक्शन किधर से किधर होगा? स्पेयर से तुम्हारे शरीर में होगा। स्पेयर से किसमें होगा? तुम्हारे शरीर में। तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर, तब तो हो सकता है हमारे हाथ में फोड़े हो सकता है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसको हम छोड़ छाड़ देते हैं। तो आपने यह समझा, इविपरेशन इज द काउज ऑफ द कूलिंग। ठंडा जो होता है वाष्पीकरण के कारण होता है, ठंडा जो होता है वाष्पीकरण। ये बर्फ पिघलने के लिए ऊष्मा किससे लिया भाई? ये बर्फ ऊष्मा किससे लिया? बॉडी से लिया। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37। ये लो जी भाई, ये फीलिंग क्यों हो रहा है, इसका जीरो है, तुम्हारे शरीर कितना है? 37। ये बर्फ पिघलने के लिए ऊष्मा किससे लेगा?
बॉडी से लेगा, ये बर्फ का टेम्परेचर जो भी हो तुम्हारे शरीर का कितना है, 37 है, ये बर्फ पिघलने के लिए उसमें किससे लेगा, तुम्हारे शरीर से लेगा, जिसके कारण क्या मिली फीलिंग हो रहा है, ठंडा। तो ठंडा का प्रमुख कारण क्या होता है, इविपरेशन, इसको कहते हैं भूते इविपरेशन वाष्पीकरण। मान लेते कड़ाके की गर्मी से तुम पसीना से लथपथ होकर आए कमरे में, अब बिजली के पंखा संजो कहा जाए, तुम अगर भाग्यशाली होगा तो बिजली रहेगी, पंखा का स्विच ऑन किया और पंखा चलने लगा, तो तुम्हारे शरीर से जो पसीना का जो विपरीत होगा तो तुमको कैसा फीलिंग होता है, ठंडा फीलिंग होता है। क्यों भाई, वो पसीना वेपर बनने के लिए टेम्परेचर कहाँ से लेता है, बॉडी से लेता, बॉडी नहीं से, नॉट बॉडी, बॉडी नहीं बॉडी, ये तुम्हारे शरीर से बॉडी टेम्परेचर लेता है, जिसके कारण हमको क्या होता है, ठंडा का। तो आपने, हम समझ रहे हैं कि पूर्णतः स्पष्ट तरीके से समझ गए कि विपरेशन, इविपरेशन जो होता है उससे हमको क्या फायदे मिलते हैं, ठंडापन, ठंडापन। अगर मान लेते बर्फ में आप घुस जाइए तो आपको कैसा फीलिंग होगा, ठंडा, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए उसमें कहां से लेगा। अगर आपको बर्फ के टुकड़े पर खटिया रख दिया जाए, उस पर सुला दिया जाए, कैसा फीलिंग होगा, ठंडा होगा, क्योंकि वो बर्फ पिघलने के लिए हमेशा आस पास से आपके शरीर से टेम्परेचर लेना शुरू कर देगा। आप किसी आदमी को गर्म नदी के पानी या गर्म नदी के किनारे पर सुला दिया, उसको क्या फीलिंग होगा, गर्म फीलिंग होगा, क्योंकि भाई वो टेम्परेचर बराबर करना शुरू करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने जवाब दिया, जो इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेटेड किया, जो हमारे एक्सपेरिमेंट में सहयोग किया, उन्हें कोटि कोटि बधाई। अंत में कंक्लूजन में निकाला यही क्या हुआ, मतलब आज के एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट निकला, कि वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडा, वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडा, वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडा। टेम्परेचर का नेचर क्या होता है, हाई से गर्म, हाई से लो, हाई से लो, हाई से, जैसे दो गड्ढे में पानी है, दो कंटेनर में पानी है, एक में कम है एक अधिक है, अब बीच में अगर उसको कनेक्ट कर दें तो अधिक पानी से कम पानी में कब तक जाएगा, जब तक बराबर बराबर नहीं हो जाए। हम लोग गर्मी के जाड़े के दिन में ये यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, कि हमारे शरीर से टेम्परेचर का हरासमेंट नहीं हो। अगर टेम्परेचर का कंटिन्यूअस हरासमेंट होते चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, राम राम सत्य हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर का, चूंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 होता है, बाहर का टेम्परेचर 12-13 हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर से कंटिन्यूअस जब उसमें हरासमेंट होगा तो यहाँ से हमारी टिकट क्या होगी, कट जाएगी। चलिए भाई, तो आप लोगों ने जो ये 5 स्टूडेंट हम लोग हमारा जो एक्सपेरिमेंट में भरपूर सहयोग किया, उसे भरपूर बधाई, और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे एक्सपेरिमेंट में साथ देने से आप लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से आप बहुत बेहतर फ्यूचर में आप एक स्तंभ अपने अपने जीवन को खड़ा कर सकते हैं, स्तंभ रूप में। थैंक यू वेरी मच।